हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अनपढ़ चैनल पर। आज जो हम बात करने वाले हैं यूपीसीएल और पिटकुल में जो जेई की वैकेंसी आई थी उसमें जो है पूरे प्रकरण के बारे में। हालांकि 3 दिन पहले जो है इसका रिजल्ट आ चुका है, तो जिन जिन छात्रों का चयन हुआ है उनको जो है हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और जिन छात्रों का चयन नहीं हो पाया वो किसी कारण से जुड़ रह गए हैं, मेरी संवेदनाएँ उनके साथ हैं। आप लोग जो है दोबारा से एक बार मेहनत कीजिए, किसी और एग्ज़ाम के लिए टारगेट कीजिए, आप जरूर जो है सफल होंगे। क्योंकि सफलता के बारे में कहा जाता है कि सफलता एक सार्वजनिक समारोह है और असफलता एक व्यक्तिगत गम। मैं आपको उस गम को समझ सकता हूँ। एक लंबा समय रहा, एक लंबा अंतराल रहा, लंबे अंतराल से आप लोग तैयारी कर रहे थे और अंत में जब आपने रिजल्ट देखा तो रिजल्ट जो है आपकी परिस्थितियों के विपरीत आया है। तो ऐसे समय पे जो है आपको मैं कहूँगा कि आप और एग्ज़ाम्स को टारगेट करिए। अभी आने वाले समय में आपके पास जो है अभी फिलहाल TSGCE में एक मौका है, PGCIL में मौका है, UGL में मौका बनने वाला है, JEE की वैकेंसी आने वाली है, UKPSC में भी आने वाली हैं। तो आपके पास मौके यहाँ पर हैं, आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप इन मौक़ों को अच्छी तरह से भुना सकें, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे प्रकरण की, तो यह है UKSSC ने 21 सितंबर 2016 को वैकेंसी निकाली थी, जिसमें पोस्ट कोड 52 के अंतर्गत आपके पिटकुल में 82 पोस्ट और UPCL में जो है 160 पोस्ट जो है जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल के लिए निकाली गई थी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे जो है इसमें एलिजिबल थे, तो ये आपकी जो है 242 पोस्टें हुआ करती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है पिटकुल जो है 10 पोस्टें इसमें और ऐड हो जाती हैं, तो फिर आपकी जो है 252 पोस्टें हो जाती हैं। फिर 252 पोस्टों में होने के बाद आपका जो है एग्ज़ाम होता है और माह फरवरी 2017 में जो है इसका रिजल्ट आता है। फिर रिजल्ट आने के बाद जो है ये आरोप लगते हैं कि रुड़की के कोचिंग से जो है 62 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, तो पूरी ये प्रक्रिया जो है न्यायालय के अंतर्गत चली जाती है। फिर न्यायालय द्वारा जो है इसका पुनर्परीक्षा का निर्णय लिया जाता है और 10 जनवरी 2021 को जो है इसका री एग्ज़ाम कराया जाता है, और उस री एग्ज़ाम होने के बाद जो है आपका पिटकुल से इन 92 पोस्टें जो पहले डिक्लेयर कही गई थी इनमें से जो है 42 पोस्ट को काट दिया जाता है कुछ कारण बता के, तो केवल जो है 50 पोस्टें केवल पिटकुल में रह जाती हैं और अभी तक UPCL में जो है 160 पोस्टें कंटिन्यू चल रही थी। लेकिन जैसे ही परसों जो है रिजल्ट आता है तो यहाँ पर जो है पिटकुल की 50 सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और UPCL की जो है 160 में से केवल 100 सीट पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और 62 को जो है होल्ड किया जाता है। ये मैथमेटिक्स भी मेरे समझ में नहीं है, पर इस तरीके से पोस्टों को अभी होल्ड कर दिया जाता है। 62 पोस्ट में जो है प्रशासनिक स्वीकृति ली जा रही है, तो जैसे स्वीकृति मिल जाएगी तो शायद हो सकता है इससे होप्स हो, बहुत सारे बच्चों को जो है इससे ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो मित्रों जो है ये पूरा का पूरा दिखाने का मेरा नतीजा आप लोगों को ये है कि अगर आप लोग जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप एक समय देखिए 2016 से आज जो है 2021 हो गया है, कुछ जो है कुछ निर्णय न्यायालय के अधीन चले गए, तो न्यायालय के अधीन चलने के कारण जो है माननीय न्यायालय ने री एग्जाम का निर्णय लिया या बहुत सारे निर्णय जो है इन भर्तियों में आए हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो है एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे छात्र के लिए जो है ये स्थिति अगर वो देखे तो ये मनोबल तोड़ने के लिए पर्याप्त है। उसका मनोबल जो है जो विद्यार्थी आज से तैयारी शुरू कर रहा है ये परिस्थितियां अगर वो देखता है तो उसको स्वयं जो है उसका मनोबल उसको जो है थोड़ा सा गिरता हुआ दिखेगा। तो मित्रों मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, देखिए सरकारी नौकरी के लिए तैयारी आपको करनी चाहिए, सरकारी नौकरी के लिए आपको जो है बिल्कुल मैं कहता हूं आपको तैयारी करनी चाहिए, मगर आपको ऐसा नहीं कि आप केवल और केवल एक चीज के भरोसे आप लोग बैठ जाइए। जैसा आप देखिए जिन बच्चों का जो है 2016 में डिप्लोमा पूरा हो गया था और आज 2021 हो गया है, 5 साल हो गए हैं, आप लोग केवल केवल जो है डिप्लोमा ही कर पाए थे, अगर इस समय को आप यूटिलाइज करते तो आप लोग जो है क्या कर सकते थे, आप लोग जो है बीटेक कर सकते थे कहीं से, हो सकता था फिर आप लोग जो है कहीं एक ही पोस्ट के लिए इलिजिबल हो जाते। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी गलतियां आप सब लोगों से हुई और कुछ परिस्थितियों की वजह से भी गलतियां हुई, ऐसी चीजें मैं मानता हूं, ऐसे में आप में अपनी संवेदनाएं मेरी आपके साथ हैं, मगर अब जो है जब परिस्थितियां इस तरीके की हुई तो विपरीत परिस्थितियों में जो खड़ा होकर जो तैयार होता है वही जो एक असली योद्धा की निशानी होती है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है प्लान ए लेके कतई ना चलें, प्लान जो है ABCD 3 से 4 प्लान लेके आपको चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जो है मैं केवल और केवल एक एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा, पर्टिकुलर जो है मैं केवल एक एग्ज़ाम पर फोकस करूंगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम पर जब मैंने देखा यहां पर आप देखिए ना मतलब परिस्थितियां कितनी बिगड़ी, माननीय कोर्ट को जो है इसमें आना पड़ा, माननीय कोर्ट को निर्णय देना पड़ा, तब जाके जो है कितने साल बाद जो है एग्ज़ाम हो पाया, तो इस तरीके की चीज़ें इनके साथ बनी। तो मेरा मित्रों आप लोग जो आज से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि वो आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग जो है आज नकारात्मकता आपके दिमाग में हावी होना स्वाभाविक है,
तो आप कतई निराश ना हो, आप लोग जो है तैयारी कीजिए, मगर तैयारी के साथ आपके जो है 3 से 4 प्लान्स लेके आप रहिए। पर्टिकुलर जो है किसी एक प्लान पे आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ तो हमारे लिए जो है बहुत इस स्टेटस से जो लर्निंग हुई है, क्योंकि अभी भी जो है निर्णय आए हैं ये भी जो है मान्य कोर्ट के अधीन है। अभी भी ये निर्णय नहीं है कि पहले जो किन किन छात्रों को ज्वाइनिंग मिलेगी, जिनका चयन पहले हुआ था या जिनका चयन बाद में हुआ था, वो जो मान्य कोर्ट जो भी निर्णय देगा वही जो है हम सबको मान्य होगा। तो परिस्थितियाँ इस तरीके की हैं। मेरा ये मानना है कि आप जो है अलग अलग जगह जो है मतलब 3 से 4 प्लान्स आपके पास होने चाहिए, केवल पर्टिकुलर एक एग्जाम को फोकस करके आपको तैयारी नहीं करनी है। और ऐसा भी नहीं कि केवल सरकारी सरकारी नौकरी अपने आप में पर्याप्त है, आप लोगों को जो है प्राइवेट जॉब की तरफ भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हम देखेंगे कि पूरे के पूरे जितने भी PSU हैं सबके सब जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये दिमाग भी आपको रखना है, और ये सोचिए कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा कैसे जॉब और लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को इसमें जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो है इस पूरे प्रकरण को अगर आप समझे तो बहुत ज्यादा गलतियां छात्रों से भी हुई हैं कि उन्होंने जो है इस पूरे 3-4 साल को जो है इनकैश नहीं कर पाए। वो केवल केवल जो है कोर्ट के जब अधीन मामला चला गया तो कहीं छात्रों का जो है श्रम जो है बेचारा पैसा भी बर्बाद हुआ, कोर्ट केस में इन सब चीजों में भी बर्बाद हुआ। उनकी अब हम उनके लिए संवेदना ही केवल कर सकते हैं, मगर मैं छात्रों आपको कहना चाहूँगा जो आज से तैयारी कर रहा है वो इस प्रकरण से थोड़ा सा सीख ले और अपनी तैयारियों को जो है इतनी गति दे कि वो प्लान ABCD 3-3, 4-4 प्लान बना के आप लोग करें, तभी आप जो है जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।